Honda CB150F model 2022. Assalamu alaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourists. Finally, मैं अभी जो बाइक दिखा रहा हूँ जी, ये है होंडा की CB150F मॉडल 2022 ही मैं कहूँगा. आई तो 21 के मिड में है, लेकिन चलें लेट्स से कि 22 है, क्योंकि ज़ाहिर है ये चेंज नहीं करेंगे इसके. तो देखते हैं कि जिन्होंने पहले नहीं देखी CB150F, बेसिकली क्या क्या हमें मिल रहा है. और आम तौर पे जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, हम फ्रंट से ही आ जाते हैं. इसमें आप देखें कि कॉर्डियल के टायर्स मिल रहे हैं, और टायर साइज़ देखते हैं जी क्या मिल रहा है हमें इसमें. 80/118 का टायर मिल रहा है, और ट्रेड आपको दिखा दूं कि इस तरह की बिल्कुल सिंपल प्लेन ट्रेड में है. मड गार्ड भी आपको दिखा देता हूं कि फाइबर प्लास्टिक का शाइन में मड गार्ड है, और एलॉय रिम 18 इंचेस में. डिस्क आप देख लें कि डिस्क की लुक देख लें, डबल पिस्टन कैलिपर वाली. और बाकी शॉक्स इसके कन्वेंशनल शॉक्स ही हैं. और उसके बाद हम देखते हैं जी पीछे 18 इंचेस अलॉय रिम, कॉर्डियल का ही टायर, और टायर साइज़ भी दिखाता हूँ मैं आपको क्या है. 90/90/18 टायर है, और ट्रेड भी देख लें, अलॉय रिम ही है. बाकी इधर आ जाएं तो आप शॉक्स इसके देखें कि एडजस्टेबल शॉक्स हैं इसके, और 5 स्टेप्स हैं इसके. इधर ही से आप देख लें तो इसके साइलेंसर की लुक मैं आपको दिखा लूँ. एग्जॉस्ट की ऊपर ब्लैक पाउडर कोटेड, और ऊपर इसके ये सिल्वर शील्ड लगी हुई है. यहीं पे आ जाएं तो रियर फुटरेस्ट देखें, तो रियर फुटरेस्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है. ओवरऑल बाइक की क्वालिटी अच्छी है. ये भी रिट्रैक्टेबल फुटरेस्ट हैं, साइड किक भी है. इंजन की लुक आपको दिखा दूं जी. अच्छा, फ्रेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका. आप ये देखें कि ये चीज़ जो है ये अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाई है इन्होंने. और दूसरी साइड से भी देखते हैं, इस साइड से मैं आपको दिखा दूं जी लुक. रियर फेंडर, और ये आप देख लें इंडिकेटर्स की लुक. शॉक्स देख लें. अच्छा, मेटल के इसके ये आप देखें कि चेन कवर मेटल का दिया है. रियर फुटरेस्ट 5 स्पीड रिटर्न शिफ्ट में आती है बाइक, आप देखें. अच्छा, साइड स्टैंड है. बहरहाल मैं इधर ही कहूँगा कि साइड स्टैंड में इन्हें चाहिए कि कोई इंडिकेशन ऐसी दें, या क्योंकि 150 सीसी बाइक है तो इसमें मेरे हिसाब में होना चाहिए. कार्बोरेटर वाली बाइक है ये. ये देखें जी लुक एक साइड कवर की. हैंडल बार पे आ जाएं तो वेट दिया हुआ, ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी. इधर आ जाएं, हॉर्न आ गया. इंडिकेटर स्विच असेंबली इज़ वेरी गुड. ये इंडिकेटर है, लो हाई पास स्विच क्लच. अच्छा, नो डाउट कि क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी. ये हैंडल बार की देख रहे हैं जी लुक. इधर आ गया वेट, आ गया थ्रॉटल, ये आ गया सेल्फ, और ये पार्किंग और हाई. और जनाब यहाँ पे डलता है इसका ब्रेक फ्लूइड. इधर आ जाए तो स्पीडोमीटर आ गया 140 तक है. वैसे ये मेन रीडिंग है, और ये ट्रिप मीटर आ, इसको जहाँ भी एडजस्ट कर लें. ये इधर आ जाए तो मिल जाती है आपको फ्यूल गेज, इधर मिल जाता है टेकोमीटर. अच्छा, अभी खैर इसमें बैटरी नहीं लगी हुई. और यहाँ पे इंडिकेटर की आपको इंडिकेशन मिल जाती है इंडिकेटर्स की. बाकी लॉक यहीं से होगी, और ये एक इसमें सेफ्टी फीचर दिया हुआ है कि यहाँ से आप शर्ट पे कर दें तो ये वापस नहीं खोलेगी जब तक आप ये चाबी से इसको नहीं खोलेंगे. ये खोला, और ये चाबियों की लुक दिखा दूँ आपको.
कि अच्छी कीज दी हुई हैं। फ्रंट से देखते हैं एक लुक, तो शील्ड आ गई और खैर मैं अभी उतार नहीं रहा और क्योंकि ब्रांड न्यू है, आगे आ गई हेडलाइट आ गई और ब्लैक कलर में है ये। सीट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल, सीट बहुत कंफर्टेबल है, होंडा की लाइन में इससे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट किसी की नहीं है। बाकी ये आ गया जो ग्रैब, आप कह लें कि ग्रैब रेल भी कह लें, बल्कि बैग कैरियर लगेज के लिए, ये भी मुझे तो पर्सनली पसंद है। अच्छा, ये पर्टिकुलरली ब्लैक कलर में है ये बाइक, हम इसके देखते हैं कि जी क्या हमें ग्राफिक्स इसमें आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी दी है होंडा ने, जैसे बाहर की आप कहें कि CB250F में जो कलर्स आ रहे थे ट्विस्टर में, उस टाइप की है कि ब्लैक शाइनिंग। ये आप देखें, ये तो मेटल टैंक है, ये फाइबर का, और ये आप देखें कि होंडा का एम्बलम, बाकी ये वाइट में और फिर ब्लैक स्ट्राइप, फिर वाइट ब्लैक, और ये ऑरेंज में आप देखें कि ब्लैक और ऑरेंज का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन ये दिया है। ये देखें जी, तो व्यूअर्स ये एक था, मतलब शॉर्ट सी वीडियो थी, क्योंकि इस बाइक का मैंने बताया तो हुआ है आपको काफ़ी, और मैंने सोचा कि आप लोग कहेंगे कि इस मोटर बाइक का बताया नहीं कुछ भी। तो ये जनाब मोटर बाइक है, और इसकी खैर प्राइस भी देखते हैं, आमतौर पर यहाँ लिखी होती है 255,500 जो इधर लिखी हुई है। ये देख लें जी लुक। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ मैं बताऊँ, इधर मैं आया हूँ और ये पता चला है कि जो शादी है उसकी 255,500 है, और इसमें एक स्पेशल एडिशन आया है उसकी प्राइस 259,500 है। अभी यहाँ खड़ी तो नहीं, लेकिन ये पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ व्यूअर्स, कि ये आप देखें कि ये स्पेशल एडिशन की प्राइस 259,500 है, ये देखें जी। और खैर इधर आई तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगा, और आपने लेनी हो तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे ये बुकिंग पे मिलेगी आपको। इसके साथ ही अब दें मुझे इजाज़त, अगले प्रोग्राम में होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।